मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका नए NIS यूट्यूब चैनल पर, जो आपका चैनल समर्पित है आपकी स्टेट PCS की परीक्षाओं के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो आज बायोलॉजी में दोस्तों जो टॉपिक चल रहा है वो पौधों में पोषण के बारे में है। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं, ये चीज़ें जो हैं हम पिछली क्लास में डिस्कस करें थे जो है। तो पोषण में जैसा दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में आपसे डिस्कस किया था, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में आपसे डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और ये बताया था कि उनकी कमी से किस तरह जो है पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें कुछ जैविक प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं, फल बनने की, फूल बनने की, या फिर जो है कोशाभित्ति की समस्या हो जाती है, उसके निर्माण की समस्या हो जाती है, सूट टिप जो है गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारी बातें हुई थी पोषक तत्वों के बारे में। जिस तरह मनुष्य के लिए, हमारे लिए पोषक तत्वों का महत्व है, उसी तरह दोस्तों पौधों के लिए भी जो है उनका उतना ही महत्व है। तो हमने देख लिया था सारी चीज़ें, वो चीज़ें खत्म हो गई थी। आज जो है दूसरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसके आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। कई बार आपको बता चुका हूँ मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के बारे में, आइए इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपने इसको जो है पोषक तत्वों के टॉपिक में देखा भी था कि ये कैसे जो है दो चीज़ों के निर्माण में आवश्यक होता है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एक तो आवश्यक होता है प्रोटीन के निर्माण में, और दूसरा आवश्यक होता है ये किसके निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। पौधों में ये दो चीजों के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है वायुमंडल में, लेकिन समस्या यह है कि पौधे इसे गैसीय रूप में नहीं ग्रहण कर सकते, मतलब सीधे नाइट्रोजन के रूप में इसको ग्रहण करना पौधों के लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसके माध्यम से क्या होता है, आइए देखते हैं इसको किस तरह ये प्रक्रिया घटित होती है। आइए दोस्तों इस चीज को समझा जाए। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें हमको क्या समझना है, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट एक होता है NO3, एक होता है NO2। तो ये जो है क्या है, ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं दोस्तों, ठीक है, नाइट्रोजन के वो यौगिक हैं जिनको जो है पौधे इस रूप में ग्रहण कर पाते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, अब जो है ये होता किस तरह है, ये प्रक्रिया होती किस तरह है, ये क्या है, नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक है, इनको पौधे ग्रहण कर लेते हैं और नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण कर पाते। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ये नाइट्रोजन की जो है स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती कैसे है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, ठीक है, तो ये स्थिरीकरण की विधियां आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो कि पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो विधि है दोस्तों वो क्या है, प्राकृतिक या नेचुरल। ये कैसे होता है, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक विधि में क्या होता है,
पौधों का एक कुल होता है लेग्यूमिनस कह सकते हैं या लेग्यूमिनेसी, ठीक है। इस कुल के जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में क्या होता है, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। कल पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हुए आपने देखा कि पौधों की जड़ों को, जड़ों की गांठों के निर्माण में किस तत्व की भूमिका होती है, सल्फर की। सल्फर वो तत्व है जिसकी जड़ों की गांठों के निर्माण में भूमिका होती है। चलिए, जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों पर क्या होता है, जीवाणु या कवक सहजीवी संबंध में रहते हैं। सहजीवी संबंध मतलब होता है सिंबायोटिक रिलेशनशिप। सिंबायोटिक रिलेशनशिप में कवक या जीवाणु उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है सहजीवी संबंध में दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। कैसे पहुंचाते हैं, जड़ों की गांठों पर जो है ये पाए जाते हैं जीवाणु और कवक। तो ये क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को ये बदलते हैं किन यौगिकों में, इन यौगिकों में, जिससे पौधे ग्रहण कर सकते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन करने का काम यही जो है जीवाणु और कवक करते हैं। इससे पौधों को नाइट्रोजन के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं, और जीवाणु या कवक को क्या मिलता है, इनको आश्रय मिलता है, इनको रहने का आश्रय मिलता है, ठीक है। अब समझिए, एक तरीका ये है, एक तरीका दोस्तों ये है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बात और भी है कि जैसे कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो जीवाणु मिट्टी में रहते हैं, मतलब जहां पौधे रहते हैं उसी के आसपास के मृदा में रहते हैं, लेकिन वो आश्रित नहीं होते पौधों की जड़ों या गांठों के ऊपर, मतलब वो सहजीवन संबंध में नहीं रहते, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते रहते हैं स्वतंत्र रूप से। मान लीजिए उन्हें न्यूक्लिक एसिड बनाना है, या अपनी जो है अपनी त्वचा की खोल बनानी है, अपने शरीर के लिए उनको जो है आवश्यक जो तत्व होते हैं प्रोटीन पदार्थ, उसके लिए वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहते हैं, और इस तरह मृदा में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन इन यौगिकों के रूप में स्थिर हो जाता है। इस तरह भी पौधों को नाइट्रोजन के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब सहजीवी संबंध से भी प्राप्त होता है, जैसे राइजोबियम जीवाणु, कौन सा जीवाणु इसको करता है, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर वगैरह क्या करते हैं, ये होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन यही काम करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो नेचुरल प्रोसेस है वो इस तरह होती है, क्लियर हुआ। चलिए, एक प्रक्रिया तो ये हो गई दोस्तों, ठीक है, एक प्रक्रिया तो हो गई स्थिरीकरण की प्राकृतिक। अब आइए दूसरी जो होती है, दूसरी जो प्रक्रिया है ये है विद्युत विसर्जन द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत भी इसमें भूमिका अपनी निभाती है। किस तरह, देखिए दोस्तों बरसात के समय में क्या होता है, वर्षा के समय जब बारिश होती है तब क्या होता है, जब विद्युत विसर्जन होता है, मान लीजिए ये बिजली कड़कती है, ठीक है, जब विद्युत विसर्जन होता है, बिजली कड़कती है, तो जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन से क्या करती है, संयोग करती है। ये जो है नाइट्रोजन जो है ये किससे संयोग करती है, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करती है किस तरह, जब विद्युत चार्ज उत्पन्न होता है उस तरह इनमें क्या होती है, ये क्रिया पैदा होती है। तो इससे क्या बनता है दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड
ध्यान दीजिएगा, सामान्य दिनों में ये चीज नहीं होती, जब जो है बिजली कड़केगी उसी समय ये प्रक्रिया घटित होगी। ये दोनों जो है क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऐसे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से भी जो है क्या होता है, ये बरसात के पानी में घुल के भी क्या होता है, अम्ल बनाते हैं। अंत में क्या होता है, बरसात के पानी में घुल के अम्ल बनाने के बाद लास्ट में नाइट्रिक अम्ल बन जाता है या नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल जो है जो निर्मित होता है, ये क्या करता है, ये मैन्योर का या खाद का काम करता है। मैन्योर 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 या खाद का काम किसके लिए करता है, पौधों के लिए, पौधों के लिए, ये पौधों के लिए खाद का काम करता है नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल। मतलब इस तरह भी क्या होता है, ये जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। मतलब कैसे होगा ये बरसात के समय में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ये तत्व बनता है। कैसे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने संयोग किया, क्या बना, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब करेगा, जब देखिए यह प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए इसको ऐसे समझिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जब संयोग करेगा तब क्या बनेगा, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड। अब नाइट्रिक डाइऑक्साइड जब बनेगा, NO2 होता है ये, NO2, ये जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से जब संयोग करेगा तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनेगा। अब नाइट्रिक डाइऑक्साइड के बाद क्या होता है, ये जैसा कि हमने बताया कि वर्षा के जल से संयोग करेगा, वर्षा के जल से जब संयोग कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस अम्ल। ये जो होते हैं ये खाद का काम करते हैं, मतलब भूमि के लिए ये उपजाऊ होते हैं या पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जो पौधों के पोषण में महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूरा फार्मूला, मतलब इस तरह जो है विद्युत विसर्जन द्वारा भी जो है पौधों के लिए जो यौगिक बनते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन से, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये दो विधियां हैं, प्राकृतिक तो जीवाणु व कवकों से हो गई जो स्वाभाविक रूप से बनते हैं, एक विद्युत विसर्जन से बनते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन है वैसे डीनाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन उन यौगिकों में बदलता है जिन यौगिकों को पौधे ग्रहण कर सकते हैं या उनकी पोषण भूमिका होती है, इसी तरह कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वापस नाइट्रोजन के उन यौगिकों को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको जो है जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, विनाइट्रीकरण। इसको हम इस उल्टी प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, विनाइट्रीकरण। क्लियर हुआ, ये कैसे होता है, इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, ये विपरीत प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है किसकी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत प्रक्रिया है ये, कि उल्टी प्रक्रिया है। दूसरी चीज क्या है, इस प्रक्रिया में भी कुछ जीवाणु भाग लेते हैं, मतलब जैसे जीवाणुओं का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, वैसे डी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी जो है यही कुछ जीवाणु होते हैं जो करते हैं, वही जीवाणु नहीं करेंगे, कुछ दूसरे जीवाणु होते हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं जो इस काम को करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
जो भी सड़े गले जीव जंतु हैं, सड़े गले जो जीव जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब नाइट्रोजन विमुक्त करते हैं। नाइट्रोजन क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं। सबके अंदर देखिए नाइट्रोजन के तत्व पाए जाते हैं, जब सड़ जाते हैं डिकम्पोजिशन इनका शुरू हो जाता है, तो नाइट्रोजन विमुक्त करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र जो है चलता रहता है, मतलब नाइट्रोजन वापस प्रकृति में आ जाती है और फिर जब दूसरी बार जब जरूरत पड़ेगी फिक्सेशन में तब वो यूज होती है। तो कहने का मतलब इस तरह नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। क्लियर हुआ? चलिए दो चीजें हमने समझ ली दोस्तों अच्छे से, जो महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, आपको पता है दोस्तों ये पौधों में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ही पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और स्वपोषियों की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण से तो आप परिचित होंगे, कुछ मुख्य बातों को हम देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और जो जो है आपको जानना जरूरी है, कुछ मुख्य मुख्य बातें आइए देखते हैं। ये है क्या, सबसे पहली बात, ये सिर्फ हरे पौधों और कुछ जीवाणुओं, ध्यान दीजिएगा जीवाणुओं में भी होती है, में होने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ हरे पौधों में होती है, सिर्फ ग्रीन प्लांट में होती है। और दूसरी बात क्या, कुछ बैक्टीरियास में भी होती है जो स्वपोषी होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए दूसरी बात, पौधे के जो हरे भाग होते हैं ये क्या करते हैं, पौधे के हरे भाग, ये पौधे के हरे भाग, जो पौधे के हरे भाग होते हैं ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं और जल लेते हैं। हरे भाग क्या करते हैं, सूर्य से क्या लेंगे प्रकाश, भूमि से क्या लेंगे जल, वायुमंडल से क्या लेंगे CO2। ध्यान दीजिएगा ये तीन तत्व ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और हरा भाग तो इनका महत्वपूर्ण ही है। इसमें हरित लवक एक कोशिकांग पाया जाता है, हरित लवक इस कोशिकांग में उपस्थित होता है, पर्ण हरित, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब देखिएगा क्या क्या तत्व तो आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है जो भूमि से ये अवशोषित करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित होता है इनके हरित लवक में, ठीक है। अब ये फिर मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये है इनका भोजन जो क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अब इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ब्राइट बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सह उत्पाद के रूप में दो चीजें निकलेंगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक निकलेगी ऑक्सीजन, दूसरा निकलेगा जल। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं और अपनी श्वसन क्रिया में हम इसी प्राणवायु गैस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन का ये स्रोत है और दूसरा जल।
ठीक है, क्लियर हुआ? ये पूरी प्रोसेस आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हुआ दोस्तों? एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सिर्फ हरे पौधों में होती है या कुछ जीवाणुओं में जो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, सूत्र क्या है प्रकाश संश्लेषण का देख लेते हैं। सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O। अब ये होती किस में है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या होता है? पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है। क्लियर हुआ? अब इसमें देखिए ग्लूकोज का निर्माण होगा C6H12O6 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6H2O प्लस 6O2, 6H2O प्लस 6O2। ये दोस्तों सूत्र है प्रकाश संश्लेषण का, C6CO2 प्लस 12H2O। ध्यान दीजिएगा यहाँ 6 है, 6CO2 है और H2O या जल कितना है? 12 है। प्रकाश उपस्थित रहेगा, पर्णहरित तो है ही हरा भाग। अब देखिए इसके बाद ये जो है हमारा क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं आप उसे। ये क्या है? जल है। और ये क्या है? ऑक्सीजन या O2 है। ये पैदा होता है, भोजन बनता है और ये बाय प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सह उत्पाद, सह उत्पाद। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए ये बातें आपको क्लियर हो गई। प्रकाश संश्लेषण आपने देख लिया दोस्तों किस तरह इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पौधों के जीवन के लिए भी तथा इन पर निर्भर करने वाले प्राणियों के जीवन के लिए भी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब दोस्तों इसके साथ साथ हम देखते हैं क्या क्या कच्चा पदार्थ होता है, आवश्यक कच्चे पदार्थ किस तरह वो आवश्यक होते हैं, उनका क्या रोल होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, कौन कौन से आवश्यक पदार्थ होते हैं, आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पहला क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 किस तरह इंपॉर्टेंट होता है देखिए, पौधे इनको कहां से ग्रहण करते हैं दोस्तों? पौधे इन्हें ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, जो स्थलीय पौधे हैं। और जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं इस प्रक्रिया के लिए। जलीय पौधों में भी फोटोसिंथेसिस होता है तो वो क्या करते हैं? वो जल में घुली हुई CO2 का प्रयोग करते हैं। मतलब स्थलीय पौधे किसका प्रयोग करेंगे? वायुमंडल से। और जलीय पौधे जल में खुली हुए ठीक है, जल में घुली हुई CO2 से जो है इसको प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये बात हो गई, अब दूसरी बात क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये है, दूसरी बात क्या है? जब ये जो है CO2 प्राप्त करते हैं तो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन रात्रि के समय नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, रात्रि के समय जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो रात में पौधों द्वारा कौन सी गैस रिलीज होती है? यही CO2। दिन में तो CO2 ग्रहण करते हैं वायुमंडल से या जलीय पौधे जल में घुलित अवस्था में, लेकिन रात्रि के समय यही पौधे CO2 रिलीज करते हैं। कैसे? इनमें क्या होता है? संचित पदार्थ का
रात्रि में, ठीक है, संचित पदार्थ का क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन होता है, ठीक है, रिडक्शन। उपचयन जिसमें क्या होता है, जटिल तत्वों से सरल तत्वों में टूटने की प्रक्रिया होती है, इसको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, अपचयन और उपचयन हम देखेंगे। तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, संचित पदार्थ का क्या होता है रात्रि में? उपचयन होता है, ठीक है। और इसमें उपचयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊर्जा तो बनती ही है, और बाय प्रोडक्ट में क्या होता है, CO2 क्या होता है, निर्मुक्त होती है। इसीलिए पुराने लोग कहते, बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि रात्रि के समय पौधों या वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो रात में होती नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी, बल्कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कब मिलेगी? रात्रि के समय। देखिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों हमेशा चलता रहता, नहीं, श्वसन हमेशा चलता रहता है पौधों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा वो रिलीज करते रहते हैं, ऑक्सीजन वो लेते रहते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस जो दिन के समय होता है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं, इसलिए वो बैलेंस बना रहता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, हमें समस्या नहीं होती। लेकिन यही बात रात में क्या हो जाती है, रात में अलग हो जाती है, रात में केवल वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप देख रहे हैं जो उपचयन होता है, इस तरह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, अगर हम उनके पास होएंगे तो हमारे जो है आसपास कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाएगी, जो नुकसानदायक होगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आप याद रखिएगा, बस ये तो कुछ बातें महत्वपूर्ण थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चलिए, दूसरा तत्व जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो क्या है, जल है। जो दूसरा आवश्यक कच्चा पदार्थ है वो क्या है, जल है, जिसको हम क्या कहते हैं, H2O। जल किस लिए आवश्यक होता है, देखिए, जो पौधों की जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें जो है वो परासरण एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, ऑस्मोसिस कहते हैं इसे, परासरण द्वारा पौधों की जड़ें क्या करती हैं, परासरण द्वारा भूमि से जल का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। अब देखिए दोस्तों, जलीय पौधे के लिए तो ये समस्या ही नहीं है, लेकिन स्थलीय पौधे जो हैं, तो उनकी जड़ें जो होती हैं क्या करती हैं, भूमि से, मृदा से क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। किस माध्यम से? परासरण द्वारा, ठीक है। केशिकत्व एक प्रक्रिया है, हमने आपको पढ़ाया है, केशिकत्व के माध्यम से ही ये ऊपर चढ़ता चला जाता है, जाइलम ऊतक इसमें काम आते हैं। कौन सा ऊतक होता है पौधों का? जाइलम। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने महत्वपूर्ण ऊतकों की बात की थी, तो उसमें आपको बताया था हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तिघ्न ऊतक के द्वारा वो जो है क्या होता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब ये किस तरह होता है, आरोही संवहन मतलब ऊपर की तरफ ऐसे जाइलम ऊतक के द्वारा जल जो है चढ़ता चला जाता है। क्लियर हुआ? तो जल भी एक महत्वपूर्ण घटक है, कच्चा पदार्थ है। आइए देख लेते हैं और कौन सा तत्व है इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक। तीसरा तत्व है पर्णहरित, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल कहते हैं पर्णहरित को। अब यह क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो है हरित लवक होता है, ग्रीन प्लास्टिड लवक को प्लास्टिड कहते हैं। ग्रीन प्लास्टिड में क्या होता है, ये पाया जाता है, पर्ण हरित कहते हैं या हरिन कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है।
ये पणहरित पाया जाता है और ये प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता, ये प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्लियर हुआ? पणहरित तो ये इसका ये क्या है, ये जो है इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषित भाग इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो पौधों में हरी पत्तियों में पणहरित है इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी भाग। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी भाग। अच्छा, एक बात और खास बात देखिए दोस्तों, जो जलीय जीव होते हैं, जो एक्वाटिक जीव होते हैं, जलीय जीव, जैसे जलीय जीव में शैवाल हो गया, एल्गी जिसको कहते हैं, एल्गी दूसरा है हाइड्रिला, एल्गी और हाइड्रिला, शैवाल और हाइड्रिला, ऐसे जलीय जीव हैं। आपको पता है ये स्वपोषी हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, तो ऐसे जलीय जीव हैं जिनका पूरा शरीर ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, मतलब इनके पूरे शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है, एक तरह से कह लीजिए पूरा शरीर हरा होता है, तो इनका जो पूरा शरीर होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, हरित लवक में जो है ये पाया जाता है, तो पणहरित भी हो गया दोस्तों। और कौन सा कच्चा माल हुआ जो इनके लिए आवश्यक है, चौथा प्रकाश, प्रकाश या लाइट। प्रकाश किस तरह आवश्यक होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश में ही, जो दृश्य प्रकाश होता है दोस्तों, दृश्य प्रकाश में ही घटित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विग्योर कहते हैं उसको, विग्योर, विग्योर को क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती, जो हमको दिखाई देने के लिए आवश्यक होता है, हमने देखा था इसको, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें जो याद करने वाली है वो चीज ध्यान दीजिएगा, बैंगनी नीला और लाल रंग, ठीक है, जब पणहरित होता है वो बैंगनी नीला और लाल रंग, पणहरित इन्हीं को केवल ग्रहण करता है, पणहरित जो होता है केवल प्रकाश में इन्हीं रंगों को ग्रहण करता है, आप ध्यान दीजिएगा, बैंगनी को, नीला को और लाल को, बाकी को ग्रहण नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बैंगनी को ग्रहण करता है, नीला को ग्रहण करता है और लाल रंग को ग्रहण करता है, बाकी रंग को वो छोड़ देता है। क्लियर हुआ? एक बात। दूसरी बात, अब देखिए अगर कहा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये नीले बैंगनी में सबसे कम होती, लाल में सबसे अधिक होती, ठीक है, क्या होती है प्रक्रिया, लाल में सबसे अधिक, नीला मतलब ग्रहण करती है लेकिन इन्हीं का सबसे ज्यादा रेशियो है, ये सबसे कम ये सबसे अधिक, सबसे अधिक किस में होती है, लाल रंग में, सबसे अधिक किस में होती है, लाल रंग में, और सबसे कम जो है किस में होती है, बैंगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पणहरित होता है तीन रंगों को ग्रहण करता है, बैंगनी नीला लाल, जिसमें नीले को छोड़ दीजिए तो बैंगनी में सबसे कम होती है, लाल में सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये, महत्वपूर्ण बात है, ये प्रश्न जो है पूछ सकता है, इस तरह इसको पढ़िएगा, ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए क्या आपको लगता है दोस्तों, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया
किसी वजह से आर्टिफिशियल तरीके से करा रही, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश उपलब्ध ना हो, तो क्या जो है आर्टिफिशियल रोशनी से प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कृत्रिम प्रकाश, क्या कृत्रिम प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण संभव है? प्रकाश संश्लेषण संभव है? संभव है। क्या लगता है दोस्तों कि कृत्रिम प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण संभव हो सकता है? जी जी हाँ बिल्कुल, कृत्रिम प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण कुछ दशाओं में संभव हो जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही यूनिक चीज है। तो अगर कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से भी प्रकाश संश्लेषण संभव हो सकता है। अब पौधों में जो सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश हम देख रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश जो पौधों में स्थिर होता है, जैसे पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होती है, इसी तरह भोजन स्थिर होता है, तो पौधों में संचित भोजन के रूप में प्रकाश भी क्या होता है, स्थिर होता है। प्रकाश भी क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कैसी प्रक्रिया है, आपसे पूछा जाए कि ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तो है, उपापचय की प्रक्रिया है, लेकिन ये कैसी प्रक्रिया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रिया है। अब देखिए अपचयन उपचयन दोनों होता है इसमें। अगर कहा जाए अपचयन और उपचयन, अगर अपचयन कहा जाए, ऑक्सीडेशन कहा जाए, ऑक्सीडेशन कहा जाए या रिडक्शन, ये अपचयन है, ऑक्सीडेशन उपचयन रिडक्शन है। तो कैसे, जल का किस में होता है, जल का उपचयन ऑक्सीजन में होता है, जल का उपचयन किस में होता है, ऑक्सीजन में। ठीक है, H2O जो होता है इसका उपचयन किस में होता है, ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, और CO2 का उपचयन किस में होता है, पहली प्रक्रिया CO2 का उपचयन किस में होता है, शर्करा के निर्माण में, ग्लूकोज के निर्माण में। ध्यान दीजिएगा, उपचयन मतलब जो टूटते हैं अणु, किसके अणु टूटते हैं, जल के अणु टूटते हैं, या उनका उपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और कौन से तत्व बनते हैं, O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, जिससे शर्करा बनती है। उपचय अपचय जो है अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे नए टॉपिक में, कि कैसे जो है दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, किस लिए होती हैं, और इनका क्या महत्व है, और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं, ये हम आपका अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो ये चीज हो गई, ये आपको पता ही है कि लाल और नीले प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों वो हो गई प्रकाश संश्लेषण के लिए, महत्वपूर्ण बातें बस यही थी। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या लगता है टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ताप बढ़ाया जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इसकी दर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आप जो है टेम्परेचर देंगे तब क्या होगी, घटेगी।
प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, घटेगी। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप बढ़ाते जाते हैं ताप को, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इसकी जो रेट है बढ़ती जाएगी। लेकिन 37 डिग्री से जब ऊपर कर देंगे आप, इससे ज़्यादा तापक्रम दे देंगे, तब उसकी दर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण भी आपका आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। इससे जो महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें हैं सब हमने डिस्कस कर ली। इससे बाहर प्रश्न कहीं भी नहीं पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, ये चैलेंज है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। इतना चीज जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो छोटी छोटी बातें हैं हमने डिस्कस कर ली हैं, जनरल साइंस में आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म होता है। अगले एक नए टॉपिक के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।